पहले जो ना हम चिप को हीट करेंगे, ठीक है। चिप को हीट करने के बाद फिर जो ना हम दोबारा से बोर्ड चेक करेंगे, ठीक है, जो इसकी ग्राफिक जो चिप है। इसको ऐसे ही करेंगे कि इस पे जो है ना आपका ईयर को बढ़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हीट करके इसके साथ पेस्ट लगाएंगे, पार्ट्स नहीं मिलेंगे फिर इसके, फिर पार्ट्स नहीं मिलेंगे इसका, फालतू टाइम वेस्ट होएगा। ये उसके पास है ना रीमा वाला जो है, ये इसके बिल्डिंग के बैक साइड पे रीमा इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, इसके बैक साइड पे रीमा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके पास ले जाओ, शायद वो आपको बना देंगे। इसको जो ना अच्छे तरीके से जो ना इतनी पेस्ट डालनी है आपने कि जो है ना, जैसे आप इधर से एयर देते हो दूसरी साइड से, तो आपको हल्का हल्का यहाँ पे पेस्ट निकलती हुई महसूस होगी, ठीक है। देखिए आप इधर से जब ये देखें यहाँ पे निकल आई, लेकिन दूसरी साइडों से नहीं निकल रही, तो इधर से भी हम थोड़ी सी पेस्ट इसको दोबारा से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे सारे बॉल जो है ना ये कवर हो जाए, ठीक है। सिलिकॉन वगैरह लगी हुई है, इसको हम उतार देंगे, इसको भी चेंज कर दें। जो ना हम थोड़े से जो ना यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जब इसको हीट करेंगे तो ये आपको जगह छोड़ देंगे। ये देखें ये खुद बाहर आ गए,
ये हमारे सारे पेस्ट हमारे सॉरी जो लगी हुई थी सिलिकॉन हम जो पहले से लगी हुई थी सिलिकॉन को हम लोगों ने उतार दी है। तो अभी इसकी नोजल उतार के हम लोग प्रॉपर इसको हीट करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने उतार दी है, ठीक है। नोजल उतार के आपने ऐसे इसको डायरेक्ट इसको हीट करना है, ठीक है। और जब हमारे जो है ना ये बबल्स वगैरह जो है ना इस पे चिप्पे बनना शुरू हो जाएंगे, पेस्ट वगैरह बाहर निकल आएगी और इससे बबलिंग शुरू कर देगी, तो उसके बाद हम जो है ना इसको चिप को जो है ना एक मिनट डेढ़ मिनट जो है ना इसको मज़ीद हीट करेंगे। और उसके बाद फिर जो है ना इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हल्की हल्की सी बाहर पेस्ट आना शुरू हो गई है। देखिए पेस्ट आना शुरू हो गई, बाहर आना शुरू हो गई। जब चारों तरफ से पेस्ट बाहर आ जाएगी या अभी चारों साइडों से ये आ गई बाहर पेस्ट, तो अभी हम इसको जो है ना डेढ़ मिनट दो मिनट जो है ना इसको हीट करेंगे ताकि हमारे सारे बॉल्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाएं और कनेक्ट हो जाएं बोर्ड के साथ और चिप के साथ। प्रॉपर जो सही तरीके से जो आप हीट करोगे तो फिर जो ना आपका ये चिप जो है ना तकरीबन कोई एक 6-7 महीने 8 महीने चल जाएगी। अगर आप उसको सही तरह के तरीके से जो ना हीट अप नहीं करते हो तो वो आपका बहुत ज़्यादा भी चलेगी तो 10-12 दिन 15 दिन 20 दिन चलेगी, क्योंकि ये चिपें जो होती हैं ओवर हीट होती हैं जिसकी वजह से वो लूजिंग आ जाती है स्पार्क करने की वजह से, ज़्यादा हीट करने की वजह से सोल्डर जो है ना फिर जगह छोड़ जाता है
जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो जब आप इसको हीट वगैरह करके फिटिंग वगैरह करोगे तो इसकी हीट सिंक वगैरह सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही है, गम वगैरह से इस तरह से लगानी है इसको, कूलिंग पेस्ट जो होती है ठीक है, और ये चीज़ें आपने चेक करनी है। चेक करने के बाद उसको फिट कर दें तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना 7-8 महीने 1 साल ये चिप जो है ना आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगी। चिप को जो है ना ओवर हीट नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से जो है ना आप उसकी हीट सिंक वगैरह चेक कर लो, जो है इसका पेस्ट वगैरह बाज़ बोर्डों में ऐसे भी करना पड़ जाता है कि अगर ओवर हीट हो रही है तो फिर हम लोग को ऐसा करना पड़ता है कि फ़ैन को डायरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन फ़ैन को भी ऐसी जगह से डायरेक्ट करना कि जो आपके प्रोसेसर के वोल्ट डिस्टर्ब ना करे, आपकी चिप किसी के वोल्ट डिस्टर्ब ना करे। यूएसबीओ से आप दे सकते हो या यूएसबी को जो जहाँ से वोल्ट जा रहे हैं उस एरिया को चेक करके तो उधर से आप वोल्ट दे सकते हो। और केबल जो भी छोटी लगाओगे या बड़ी लगाओगे तो केबल आपने ऐसी जगह से लेके आनी है कि वो ग्राउंड के सामने ना आए और किसी ऐसी जगह से डैमेज ना हो कि जब आप फिटिंग कर रहे हो तो आपका जो ना वो वोल्ट वहाँ पे डिस्टर्ब हो या वो डायरेक्ट वहाँ पे आ जाए और आप जब स्क्रू लगाओगे तो उसके बाद जो है ना आपका बोर्ड शार्ट हो जाए या कोई पॉइंट शार्ट हो जाए, तो इस चीज़ों का भी ख्याल करना है। बहुत एहतियात से जो भी काम करते हो एहतियात के साथ करें। ये फैन से हम दोबारा से इसको ठंडा करेंगे ठीक है। ये हमारा जो है ना बोर्ड जो है ना ठंडा हो गया है, चिप जो है ना अभी इसको ऐसे करेंगे, ये अच्छे तरीके से जो है ना इसको क्लीन करेंगे ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी सी पेस्ट गिर गई थी तो इसलिए जो है ना इसको भी जैसे क्लियर करें।
चल गया और प्रोसेसर भी हमारा अभी तक यूज नहीं किया, फैन हमारा चल गया ठीक है। तो अभी हम ऐसे करेंगे कि इसको हम रैम लगाएंगे ठीक है, और साथ में स्क्रीन लगाएंगे, चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ से भी आपका डैमेज है, ये रैम की स्लॉट को भी हम अंदर से इसको क्लीन करेंगे ठीक है। देखिए यहाँ से भी ये डैमेज है, तो इसको भी हम जो है ना इधर से क्लीन करेंगे। ये पॉइंट्स जो है ना ऐसे क्लियर होने चाहिए कि कोई भी पॉइंट दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो। इसको भी इधर से जो है क्लीन कर लेते हैं। पेस्ट यहाँ पे गिर गई थी, हम लोग यहाँ पे पेस्ट लगा रहे थे तो पेस्ट थोड़ी इधर भी आ गई, तो इसको भी क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। रैम स्लॉट को भी अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और रैम को भी चेक कर लेंगे हमारी जो है रैम डैमेज ना हो। वाटर डैमेज होते हैं, क्योंकि वाटर डैमेज ऐसा बोर्ड है कि आपको सिर्फ एक ही दफ़ा में चांस मिलेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से आपने क्लीन किया होगा, कोई चीज़ उसका अगर मिसिंग नहीं होगी तो आप उसको अच्छे तरीके से और जल्दी उसको आप रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई पार्ट वगैरह कोई कंपोनेंट आपका मिसिंग हो जाता है, टूट जाता है ठीक है, कहीं से वोल्ट ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको फिर ट्रेस करने में भी इतना ही टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक है। हमेशा जो भी एरिया है डिफेक्टेड आपको नज़र आता है तो उसी टाइम पे उसको क्लियर करें और सही तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर करें, ताकि जो है ना आपको टेंशन का जो है ना सामना ना करना पड़े। ऐसे अगर आप डायरेक्ट चेक करते हो तो लाजमी इसके ऊपर कुछ ना कुछ रख दिया करो, ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच ना पड़े ठीक है। तो अभी जो ना ये हम लोगों ने इसकी स्क्रीन की स्ट्रिप लगा दी है और अभी पावर साथ में प्लग करके तो इसको चेक करेंगे ठीक है। पावर प्लग कर दिया हम लोगों ने,
और अभी जो है ना इसके ये दो पॉइंट हैं इसको शॉर्ट करेंगे तो ये हमारी पावर ऑन हो जाएगी। सही तरह से शॉर्ट नहीं हो रहे तो यहाँ से ऊपर से हम कर लेंगे दो पॉइंट को। ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया, फैन चल गया। ठीक है, फैन चल के वापस ऑफ हो रहा है। ठीक है, अभी चेक करेंगे हमारी कुछ चिप वगैरह हीटअप तो नहीं हो रही है। तो एक दफ़ा ऐसे करेंगे कि हीट सिंक लगा के फिर जो ना हम इसको चेक करते हैं दोबारा से। Oh, ya, 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 ya